नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी का यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर्म किस तरीके से भर पाएंगे, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको जो है वो कहाँ से कैसे मिलता है वो सारी चीज़ें ए टू जेड आपको, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जो है वो लेना चाहते हो, आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहा हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका जो है उस टाइम पे लगता है जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हो। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं उसके लिए। तो आपको कुछ इस तरीके से राजस्थान मेन वेबसाइट पर आ जाना होगा। होम पेज पे आने के बाद में यूनिराज सर्विस ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आने के बाद में जो है वो आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जो है माइग्रेशन का भी ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप टू 2007 और आपकी फ़ीस है वो देख सकते हो 260 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। आप यहां से अप्लाई पर क्लिक करके आप यहां से फ़िलहाल यहां से नहीं फिल कर पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद में यहां पर अप्लाई फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट फॉर 2016 माइग्रेशन एग्ज़ाम, वो माइग्रेशन फॉर्म एग्ज़ाम 2008 एंड अवार्ड, तो यहां पर क्लिक करना होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में माइग्रेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। माइग्रेशन सेलेक्ट किया इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो इनरोलमेंट नंबर आपको डालना होगा। अब इनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो इनरोलमेंट नंबर में आपको बताऊँ तो आपको इनरोलमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा आपकी मार्कशीट पर। तो वहाँ से अपनी मार्कशीट पे से आपको इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल देना होगा। तो 2015 या ईयर यहाँ पर देखने को मिलेगी, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर मैंने डाल दिया है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर जैसे क्लिक करते हो आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आपकी मार्कशीट में जो भी आपका नाम चल रहा है वो डिटेल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों आपकी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपको देखने को मिल चुके हैं। उसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद में मंथ ईयर सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो मोबाइल नंबर जैसे ही डालते हो आपके सामने नीचे, और आपको पेज बता देता हूँ, आपको अपनी जीमेल आईडी भी यहाँ पर डालना होगा। जीमेल आईडी के बाद में कंप्लीट आपका एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। एड्रेस में आप देख सकते हो एड्रेस का कॉलम आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, और स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट के बाद में पिन कोड नंबर और आपका आधार नंबर, आधार नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो गाइस ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर जैसे क्लिक किया, हमारे सामने जो है वो फॉर्म प्रीव्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपकी डिटेल आपकी सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपलोड आधार कार्ड आपको अपलोड करना है यहाँ पर, तो अपलोड के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा और आपका जहाँ पर भी आधार कार्ड है वहाँ से आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद में आपको जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डिलीवर यहाँ पर करना है बाय हैंड। जैसे क्लिक करते हो आपको यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर बाय पोस्ट करते हो तो 360 रुपये लगते हैं, 100 रुपये चार्ज यहाँ पर लगेंगे, वो आपके एड्रेस पे आ जाएगा। और बाय हैंड अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो आपका 260 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। तो सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा, ओके पर क्लिक करना होगा और आपका जो है वो फॉर्म फिल हो जाएगा। अब आपका पेमेंट है, वो पेमेंट करना है आपको यहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटो रे सब कुछ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको जो है वो मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपका काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड जो भी है वो आप सब यहाँ पर सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपका कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी मंथ, ईयर और कार्ड के सीवीवी नंबर आप यहाँ पर डाल के जो है वो पेमेंट यहाँ पर कर दीजिएगा। जैसे आप पेमेंट के यहाँ पर डन करते हो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर पेमेंट करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी आप यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी आपको यहाँ पर जो है वो डन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर करंट स्टेटस आप देख सकते हो, अप्लाइड यहाँ पर हो चुका है। आपको फॉर्म यहाँ पर जैसे पेमेंट करते हो आपका पेमेंट यहाँ पर जो है वो डन होता है, आपका फॉर्म फिल हो जाता है।
कुछ इस तरीके से आपका पेमेंट यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको इसका प्रिंट लेने है तो प्रिंट पर क्लिक करना होगा, और प्रिंट लेने के लिए आपको इसको जो है वो डाउनलोड या सेव कर लेना होगा। अब यहाँ पर अगला प्रोसेस क्या है, किस तरीके से मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल फॉर्म अप्लाई इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से सेव कर सकते हो। और आपका अगर जैसे कि वहाँ से आपका फॉर्म यहाँ पर नहीं निकल रहा है तो आपको यहाँ पर जो है वो वापस से क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको क्लिक यहाँ पर चेक फॉर्म स्टेटस पर आपको क्लिक करना होगा, और आपका फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।